करप्ट सियासतदानों की मुल्क से लूटी गई दौलत वापस लाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तहरीक इनकलाब के राना अलीमुद्दीन गाजी एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। अहम खबर आपको देंगे, करप्ट सियासतदानों की मुल्क से लूटी गई दौलत वापस लाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तहरीक इनकलाब के राना अलीमुद्दीन गाजी एडवोकेट की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, हाईकोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं कि करप्ट सियासतदानों की मुल्क से लूटी गई दौलत वापस लाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तहरीक इनकलाब के राना अलीमुद्दीन गाजी एडवोकेट की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे थे कि करप्ट सियासतदानों की मुल्क से लूटी गई दौलत वापस लाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस हवाले से हम मजीद जान लेते हैं लाहौर रंग के नुमाइंदे उमर हयात से। जी उमर हयात, बताइएगा क्या हुआ है इस दरख्वास्त में। जी बिल्कुल, शम्स महमूद मिर्जा ने तहरीक इंकलाब के राना अलीमुद्दीन गाजी एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। सरकारी वकील ने वफाकी हुकूमत की तरफ से जवाब दाखिल कराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर पहले ही अब कुछ नोटिस ले चुकी है, लिहाजा इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अब कुछ नोटिस के बावजूद लाहौर हाईकोर्ट को केस की समाअत का इख्तियार हासिल है, वो इस पर मजीद जो है वो नोटिस जारी करके जो करप्ट सियासतदान है उनसे जवाब तलब करे। अदालत ने फ्री कैंपस दलाल सुनने के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया। जी जी उमर हयात, बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे